व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो देखिए, ये मेरे पास आधा किलो करेला है, जिसे मैंने नमक लगा के और एक सीटी लगाई थी कुकर में, और उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कढ़ाई ली है मैंने। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। देखिए, कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और ये हीट हो चुका है। अब हम मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सौंफ 1 टीस्पून, मेथी 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून और ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ये हम सारा इसमें डाल देंगे। देखिए, 2 बड़े साइज़ के प्याज है, इसे मैंने मोटा मोटा चॉप किया है और अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे। देखिए, प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे कर लेना है। देखिए, अब इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और ये करेला जो हमने बॉईल करके रखा था इसको इसमें ऐड कर देंगे। करेले को अब हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही भून देंगे। देखिए, करेले ऑयल में अच्छे से भून लिया हमने और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले कुछ इस तरह से हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून से कमी नमक रखा है क्योंकि बॉईल करने में हमने करेलों में भी नमक डाला था, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच आम के अचार का मसाला डालूंगी। देखिए, मेरे पास आम का अचार का मसाला था, ये 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी। देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसमें डाल देंगे। अब इसे ढक के हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते, घुल नहीं जाते। तो देखिए, हमारी करेले की सब्जी बनके तैयार है। मैं भी इसको सर्व करती हूँ। तो देखिए, ये हमारी सब्जी बनके तैयार है, झटपट सी टेस्टी सी सब्जी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपकी सब्जी कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।